हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइली सोनम अगेन। आज मैं आपको डबल क्लिनजिंग का मेथड सिखाऊंगी, जो कि एक कोरियन स्किन केयर रूटीन है जो मैं बहुत ही पहले से फॉलो करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना ये जो डार्क मेकअप क्रिएट किया था मैंने, तो आई लैशेज रिमूव कर दिया। यहाँ पे आपको मिसेलर वाटर या फिर कोकोनट वाटर है तो वो भी लीजिए, दोनों भी चीज़ बहुत अच्छी है मेकअप रिमूव करने में। तो इससे अच्छी तरह से आपको मेकअप को रिमूव करना है, मेक श्योर कीजिएगा। डार्क मेकअप्स जो है अच्छी तरह से निकलते नहीं हैं, 2 से 3 बार निकालना पड़ता है, तो उसे आप अच्छे से निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा जो काम है वो एवरीडे मेकअप है गाइज, मैं एवरीडे कुछ ना कुछ तो मुझे मेकअप करना रहता है, इसीलिए मैं ये मेथड को फॉलो करती हूँ। इससे आपका स्किन जो है डीप क्लीन होता है एंड ये मेक श्योर करता है कि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं हो जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे लगाती हूँ। तो क्योंकि जैसे ना एवरीडे मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि मैं उसे अच्छी से क्लीन करूँ ताकि मेरे स्किन में कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्लिनजिंग करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा फेस वॉश। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। आप कोई भी एक अच्छा सा डीप क्लिनजिंग या क्लिंजर फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए अच्छी तरह से आपको फेस को वॉश करना है। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी इसमें ब्रश दिया है जिस वजह से बहुत ही आसानी से मेरा मेकअप रिमूव हो जाता है। तो ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है, स्पेशली जब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो जो बचा कुछ मेकअप है या अगर कुछ रह गया मेरे चेहरे पर तो ये उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से निकाल देता है। आप देख सकते हैं स्टिल जो कलर था फेस वॉश का वो थोड़ा फाउंडेशन टाइप था, तो मतलब और बचा हुआ था। तो अच्छे से मैंने फेस वॉश कर लिया। इस फेस वॉश की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर चेक कर लीजिएगा। ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। तो नेक्स्ट स्टेप है टोनर। अब टोन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमें टोनिंग करना होता है। उसके बाद एक हाइड्रेटिंग सीरम ले लीजिएगा, विटामिन सी सीरम या कोई भी एक हाइड्रेटिंग सीरम लीजिए जिससे कि आपका स्किन थोड़ा हाइड्रेट रहे, बिकॉज मेकअप करने के बाद आपका स्किन जो है हाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल। उसके बाद मेरा फेवरेट स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं दिन में 2 बार करती हूँ गाइस। जैसे कि मैंने कहा है कि हाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जितना आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा और एवरीडे आपका स्किन निखर के आएगा। तो अपना कोई भी एक फेवरेट सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ आई डू माई डबल क्लिनजिंग एवरी डे, बिकॉज मैं एवरी डे मेकअप करती हूँ तो इसके लिए मुझे अपनी स्किन का डबल ध्यान देना होता है। सो मैं इस तरह से डबल क्लिनजिंग मेथड को फॉलो करती हूँ हमेशा। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना है या कन्फ्यूज हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।